तो मिट्टी के साथ में इन्होंने रिको वालों ने छेड़छाड़ किया, हमारी कुंडली खराब। अब हमको 3 महीने 4 महीने लगेंगे इस कुंडली को बनाने में। और रिको वाले प्लॉट काट के अगर कांच की फैक्ट्री लगा देंगे तो हम तो मिट्टी के अंदर हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। जैसलमेर के पोखर में कुमार समाज के लगभग 30,000 परिवार जो वर्षों से रिन क्षेत्र से लाल मिट्टी लाकर बर्तन और अन्य सामग्रियों का निर्माण करते आ रहे हैं, इन दिनों गहरे संकट में हैं। कुमार समाज का मुख्य व्यवसाय मिट्टी के बर्तनों का निर्माण है और इसके लिए उद्योग विभाग द्वारा उन्हें रिन क्षेत्र में मिट्टी लाने के लिए आरक्षित भूमि प्रदान की गई थी। हालांकि अब इस क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा रिको, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम के अंतर्गत एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जिसे कुमार समाज की आजीविका पर संकट मंडराने लगा है। समाज के लोगों का मानना है कि इस औद्योगिक क्षेत्र के विकास के बाद वहां स्थापित होने वाली फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल युक्त अपशिष्ट उनके काम में उपयोग होने वाली मिट्टी को दूषित कर देंगे। इससे उनके पारंपरिक व्यवसाय को गहरा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता बिगड़ने के साथ साथ पानी की प्राकृतिक आवक भी बंद हो सकती है, तो इस मिट्टी के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। ये हमारे बुजुर्ग लोग वडेरे करते हैं, हम उसकी कला से हम भी करते हैं। अच्छा। हमारे दादा परदादा उसकी कला है और हमारे बाल बच्चे भी इस पर निर्भर है। ये करवा चौथ में जो औरतें लोग पूजन करती है वो करवा। अच्छा, इसको एक करवा बनाने में कितना समय लगता है यार? ये कम से कम 5-10 मिनट तो लगती है। 5-10 मिनट में आपके एक करवा बनके तैयार होता है? हाँ, तैयार नहीं है, एक इसकी बॉडी बनती है। हाँ। बनाने में तो टाइम लगता है, ये सूखेगा, फिर इसकी एक टूटी लगेगी हम। अच्छा। फिर ये तैयार होगा, एक दिन में नहीं, दूसरे दिन ये तैयार होगा। ये धूप के अंदर जो कठोर पड़ेगा तब ये होगा तैयार। हाँ, रिको वालों ने कब्जा भी कर दिया, हमारे वहाँ बड़ी दिक्कत आ रही वहाँ। और हमारे SDM साइडियम से हम कहते वह करते हैं, वो अभी रुकी नहीं है, वो उसका काम चालू है अभी लग। अच्छा। और अभी इस बार हमने पर विधायक साहब से सबसे मांग करी है, उसने बोला है कि हम रोका देंगे, रोकेंगे तब देखेंगे। रिको बन जाएगी तो वहाँ हमारे सब प्लॉट सत्यानाश हो जाएगी मिट्टी के, वो पानी बंद हो जाएगा, पानी बंद हो गया तो हमारी नई मिट्टी नहीं बनेगी। और रिको वाले प्लॉट काट के अगर कांच की फैक्ट्री लगा देंगे तो हम तो मिट्टी के अंदर हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, कांच के कंकर फट जाएंगे तो हम तो मिट्टी से ही हाथ से काम करते हैं। अच्छा। तो वो कांच हमारे शरीर के अंदर प्रवेश हो जाएगा, हाथ के हाथ छुल जाएगा। अच्छा। तो वो काम हमारा सब ठप हो जाएगा। अब की बार मिट्टी हमारे भट्टी खराब हो गई, या आप देखो ये सब लाल मिट्टी के नाम से प्रसिद्ध है हमारी मिट्टी, ये सब ब्लैक हो गई। ये काला कैसे हुआ? काला साहब, ये रिको वालों ने जमीन को उथल पुथल की, हमारी मिट्टी को खोद के कहीं दूसरी जगह ले जाके पटकी, उससे हमारी मिट्टी में कंकर हंकर सब अंदर चले गए। उस वजह से ये हम गरीब आदमी, हम इतना रुपए का घाटा कहाँ से भरेंगे? मैं तो 5 साल ही ऊपर उठ नहीं पाऊंगा, हमारे लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? 5 साल ऊपर क्यों, मतलब क्या? 5 साल मैं कमाऊंगा तब ये घाटा पूरा नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, कितने रुपए का नुकसान? 90,000 रुपए का नुकसान हुआ हमारे। अच्छा, ये कहाँ का ऑर्डर था आपके? ये हमारे जोधपुर वाले को देना था, उसके आधे पैसे हमको दे रखे थे। अब वो आके गया, माल था नहीं, अब मैं कैसे माल की भरपाई करूं? कैसे करोगे? हाँ, कैसे करें, गवर्नमेंट बताएगी कैसे करूंगा मैं? आज मैं बर्बाद हुआ हूँ, कल को और कोई बर्बाद होगा, उस तरह से सबका, हमारे 3,000 परिवारों का रोजी रोटी पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे आप 400-500 रुपए की मजदूरी कर लेते हैं, उससे में ज़्यादा क्या हो जाता, पूरा परिवार मिलता है तब 400-500 रुपए की मजदूरी होती है।